गाइस, मेरे बताए हुए सिर्फ ये तीन तरीके सर्दियों में फॉलो कर लीजिए, आपका 15 दिन में 5 किलो वजन आसानी से कम हो जाएगा बिना जिम जाए, बिना किसी एक्सरसाइज के। जी हाँ, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। विंटर्स में वेट लॉस करना हमारे लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बन जाती है, क्योंकि स्वेटिंग होता नहीं है, अनहेल्दी फूड हम इनटेक करते हैं, बॉडी बहुत ज्यादा लेजी हो जाती है, बिस्तर से उठने का हमें फुर्सत नहीं होती, मन नहीं करता, तो ऐसे में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और कमेंट बॉक्स में डन करें कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा फॉलो करने वाले हैं। तो बिना ज्यादा बकबक करे फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या है वो तरीके। गाइज, अब बारी आती है पहले तरीके की। पहला तरीका, हमें क्या प्रोसेस करना है, ब्रीथ को होल्ड करना है। जी हाँ, हम प्लैंक करते हैं। प्लैंक करने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें आप ब्रीथ होल्ड करते हैं। तो ब्रीथ होल्ड करने से क्या होता है, आपके ओवरऑल बॉडी पे उसको टोन करता है, फैट को रिड्यूस करता है। तो आज आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ जो आपके स्पेशली बेली को टारगेट करेगा, आपके बेली एरिया को कम करेगा। कैसे करना है देखते जाइए। सबसे पहले आप इसके लिए बिल्कुल सीधा खड़े हो जाइए। उसके बाद इस तरीके से आपने अपने पेट को अंदर स्क्वीज करना है, ब्रीथ को होल्ड करना है। जितना मैक्सिमम आप इसको लेके जा सके उतना लेकर जाएं। 2 से 3 सेकंड तक लेके जाने के साथ मैक्सिमम ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करें और 10 सेकंड तक आप इसको ब्रीथ को होल्ड करने का ट्राई करें। देन धीरे धीरे इस तरीके से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ ब्रीथ को रिलीज कर दें। इस प्रोसेस को आपने कम से कम पूरे दिन में 10 से 12 बार रिपीट करना है। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है आपके पेट के मसल को टोन करने में और साथ में फैट को रिड्यूस करने में। इसी तरीके से हम लेट कर इसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आप इस तरीके से बेड पर, जमीन पर, कहीं भी जहां आपको कंफर्टेबल हो वहां आप लेट जाइए। सेम इस तरीके से पेट को अंदर स्क्वीज करें, जैसे मैंने अपने पेट को अंदर सक कर रखा है, ब्रीथ को होल्ड कर रखा है। 2 से 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करें, ग्रेजुअली इंक्रीज करके 10 सेकंड्स पर लेकर जाएं। देन उसके बाद अब अपनी ब्रीथ को रिलीज कर दीजिए। ऐसा भी आपको 10 से 15 बार करना है। आप टीवी देख रहे हो, किसी से चिटचैट कर रहे हो, आप जब भी फ्री होते हैं इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करें। खाना खा रखा है तो आधे घंटे बाद इस प्रोसेस को फॉलो करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका बहुत ही अल्टीमेट तरीका मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, जो बहुत ही अच्छा है, जो बहुत जल्दी आपके वेट को मैनेज करेगा, 15 डेज में आपके 5 kg वेट को रिड्यूस करेगा और स्पेशली आपके बेली एरिया को टारगेट करेगा, जो है स्नोवा का बायोस्लिम। स्नोवा का बायोस्लिम बहुत ही इफेक्टिव और वो भी बिल्कुल नेचुरल सप्लीमेंट है। आप लोगों के माइंड में हमेशा क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि यार, ईशा तो हमेशा रेकमेंड करती है कोई टैबलेट नहीं खानी और आज खुद ही बोल रही है। जी हाँ, मैं बोलती हूँ, लेकिन नेचुरल सप्लीमेंट के लिए कभी मना नहीं करती, बल्कि मैं मार्केट में मिलने वाली वो सो कॉल्ड जो टैबलेट्स होती है ना, जो स्लिमिंग पिल्स होती हैं, 2 डेज में आपको कम कर देंगे, 4 दिन में पतला कर देंगे, तो वो जो होती है ना, जितना जल्दी आपका वेट लूज करती है उतना ही जल्दी उसको छोड़ने के बाद वेट गेन करती है। लेकिन स्नोवा का बायोस्लिम इतना नेचुरल है और इतने नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, जो आपको कोई 3 दिन में पतला नहीं करेगा, बल्कि नेचुरल तरीके से आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा। मेटाबॉलिज्म अगर आपका फास्ट होगा तो आपकी बॉडी में जो भी आप खाना खा रहे है, वो आपकी बॉडी में सड़ेगा नहीं, स्टोर नहीं होगा। अब तक जो आपका खाना खाते आए थे, आपका मेटाबॉलिज्म होता है वीक, तो आपको एक रोटी भी आपकी बॉडी में फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? लेकिन अगर आप इसको इंटेक करते हैं, तो वो आपकी जो रोटी है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जो भी आप खा रहे हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले पूरा दिन आप एक्टिव फील करेंगे, ठीक है? इसके साथ साथ क्या होगा, आपकी बॉडी में जितना भी स्टोर फैट है वो बिल्कुल कट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि मैं इसके बारे में इतना क्यों बोल रही हूँ कि कैसे ये नेचुरल है ना। आप किसी भी प्रोडक्ट को कैसे चेक करते हैं, है ना, उसके इंग्रेडिएंट से। तो हम सेम इसके इंग्रेडिएंट चेक करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से मिलके बना है। इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया क्या करता है, उसमें होता है विटामिन सी। विटामिन सी आपके जितना भी बॉडी में स्टोर फैट है उसको ये अच्छे तरीके से मेल्ट करता है। और इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट। ग्रीन कॉफी ग्रीन टी से 5 गुना ज्यादा जल्दी आपका वेट रिड्यूस करती है। इसके साथ साथ ये आपकी एक्स्ट्रा क्रैविंग को कंट्रोल करती है, जो आपका नाक और आपका दिमाग हमेशा किचन में या कहीं ना कहीं फूड ऐप्स में घूमता रहता है ना, तो उसको ये आपकी एक्स्ट्रा क्रैविंग को कंट्रोल करेगी, जो आपको हमेशा भूख लगने की समस्या है। ऊपर से ये आपके जितना भी खट्टी डकारे हैं, छाती में जलन है, एसिडिटी है, या आपका जो पेट फूल जाता है खाना खाने के बाद, उसको ये कंट्रोल करती है, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट करती है, राइट? उसके बाद इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट है, वो है इसमें पिपरनिगम। पिपरनिगम किसमें पाया जाता है, काली मिर्च में, ठीक है? पिपरनिगम क्या करता है, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को
बहुत अच्छा करता है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो आपको जोड़ों का दर्द नहीं होगा, क्योंकि जब खून के थक्के जमते हैं ना तो हमें जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आने लगती है, राइट। इसके साथ साथ क्या होता है, जब खून गाढ़ा हो जाता है तो दिल तक पहुँच नहीं पाता, दिल हमारा ठीक से पंप नहीं कर पाता और उसमें क्या होता है, हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे आपका दिल भी बहुत अच्छे से काम कर पाएगा, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इसको लेना कहाँ से है, ठीक है, ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलने वाला। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है इसको इनटेक कैसे करना है, तो इस तरह का आपको ये बॉक्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको जब ओपन करेंगे, इस तरह की डब्बी होगी और इसमें होती है टैबलेट्स, तो इसकी 2 टैबलेट्स आपने डेली इनटेक करनी है। इस तरह की इसमें व्हाइट कलर की टैबलेट होगी। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट आपको इसकी 1 गोली लेनी है नॉर्मल गुनगुने पानी से, और उसके 1 घंटे बाद ही आपको कुछ भी चाय कॉफी या जो भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं आपको इनटेक करना है। और सेम इसकी 1 गोली आपने लेनी है रात के डिनर से 1 घंटा पहले। आपने ले लिया गुनगुने पानी के साथ, उसके बाद 1 घंटे बाद आप अपना डिनर इंजॉय कर सकते हैं। अब बारी आती है तीसरे तरीके की, जो बहुत ही आसान सा एक रेमेडी है जिसको आपको आज से फॉलो करना है, जो विंटर सीजन में स्पेशली आपके बेली एरिया और आपके ओवरऑल बॉडी वेट को बहुत अच्छे से रिड्यूस करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ले लेना है 1 चम्मच जीरा, साथ में लेना है 1 चम्मच अजवाइन। इन दोनों को 1 ग्लास पानी में रात को आपको भिगो कर रख देना है और सुबह उठते ही आपको इसको एक बर्तन में डाल लेना है और उसके बाद 1 ग्लास पानी इसमें और ऐड करना है। जब आप रात को इसको भिगोएंगे तो उसके सारे गुडनेस उस पानी में आ चुकी होगी। उसके बाद इसको आपको अच्छे से बॉईल करना है, आपको इतना बॉईल करना है जब ये 1 ग्लास रह जाए उबल उबल के अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपको एक छन्नी की मदद से इसको एक कांच के ग्लास में ट्रांसफर कर लेना है और उसके बाद आपको इसको एम्प्टी स्टमक बिल्कुल चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। ऐसा आपको रोजाना इसको फॉलो करना है, उसके 1 घंटे बाद ही आप अपना कोई भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। दोनों इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें यूज करे हैं ये स्पेशली विंटर एरिया में आपके बहुत अच्छे तरीके से ओवरऑल बॉडी फैट को कट करते हैं, आपके बेसिकली डाइजेशन को बूस्ट करके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं, ताकि जो भी आप खा रहे हैं वो आपके बॉडी में सड़ेगा नहीं बल्कि डाइजेस्ट होना और एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से इसको लेना ट्राई करें और उसके बाद देखें अपने बॉडी में होने वाले विजिबल चेंजेस। अब बारी आ जाती है 2 इंपॉर्टेंट टिप की, जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को जरूर देना चाहूंगी। विंटर सीजन स्टार्ट हो गए हैं तो प्लीज तला भुना चीजों से बहुत दूर रहें। जितना आप फ्राइड फूड खाएंगे आपके वेट गेन में वो ज्यादा हेल्प करेगा, ना कि वेट लूज में। उसके साथ साथ गर्म पानी को आप डेली अपने रूटीन में शामिल करें। गर्म पानी के लिए आप फ्लास्क भर के रख सकते हैं गर्म पानी की बॉटल, ताकि आपको बार बार उसको रिफिल करने में या दोबारा गर्म करने में आलस भी ना आए। और आपने पूरा दिन गर्म पानी इनटेक करना है, जितना हम गर्म पानी पीते हैं उतनी हमारी बॉडी जल्दी वेट रिड्यूस करती है। इसके साथ साथ खाना खाने के 10 मिनट बाद आपने 45 मिनट का वॉक जरूर करना है। 45 मिनट अगर आपके पास टेरेस है तो जरूर घूम लीजिए, अगर आपके घर का एरिया बाहर का फ्री है तो आप वॉक कर सकते हैं, नहीं तो जिस तरह से मैं आपको इतने से एरिया में वॉक करके दिखा रही हूँ सेम आपने ब्रिस्क वॉक करना है, यानी फास्ट फास्ट वॉक करना है। एक स्टडी में भी पाया गया है कि अगर हम बिना एक्सरसाइज के बिना कुछ करे भी सिर्फ ब्रिस्क वॉक से 45 मिनट की हम इजिली 1 महीने में 5 किलो वजन घटा सकते हैं। तो अगर आप उस स्टडी के बारे में प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर भी इससे पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा, तो देरी किस बात की यार, फटाफट से लाइक कर दो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, मेरा अकाउंट है @ishamehra और फेसबुक पे मेरा पेज है @healthtime। वीडियो को शेयर करें, जमकर खूब सारा कमेंट करके मुझे प्यार दें, मुझे आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।